नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, कंपनी वेदांता और सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ने की नौबत आ गई है। दरअसल वेदांता ने 9 महीने पहले सरकार द्वारा विंडफॉल टैक्स लगाए जाने को लेकर विरोध जताया था। वेदांता ने टैक्स चुकाने के लिए अपने ऑयल एंड गैस प्लांट से सरकार के डिविडेंड में से लगभग 9 करोड़ डॉलर रोक लिए हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक ने ये फैसला ऐसे समय पर लिया है जब हिंदुस्तान जिंक की विदेशी संपत्ति के मुद्दे पर सरकार और वेदांता ग्रुप के बीच टकराव की स्थिति है। दोस्तों, भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर टैक्स लगाया। इसके साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ऊर्जा कंपनी को हो रहे अच्छे प्रॉफिट को देखते हुए टैक्स लगाया। इसके अलावा स्थानीय रूप से प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन चार्ज भी लगाया गया, लेकिन स्थानीय रूप से प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन चार्जेस को प्रोड्यूसर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन मानते हैं। दोस्तों, वेदांता ने 31 जनवरी को और 20 फरवरी को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री को ये इन्फॉर्म किया था कि उसने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन चार्ज चुकाने के लिए राजस्थान ब्लॉक RJ ON 90/1 पर 8.53 करोड़ डॉलर के अलावा कैम्बे बेसिन में ब्लॉक CBOS-2 के लिए 55 लाख डॉलर की कटौती की है। वहीं मिनिस्टर ने इसे एक तरफा कटौती बताते हुए इसे गलत बताया और कंपनी को 7 दिन के भीतर ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए भी कहा। दोस्तों, देखा जाए तो सरकार और वेदांता के बीच एक तरीके का तूतू मैमे हो रहा है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपको वेदांता के शेयर में कितने का प्रॉफिट या फिर कितने का लॉस हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन सी कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन सी कंपनी का शेयर कब सेल करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।